तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए आपका स्वागत करता हूँ आपका चैनल डिप्लोमा क्लासेस में। तो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ OCF मीन्स ओपन चैनल फ्लो। वो OCF है जो इससे SSC JEE में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं पढ़ा रहा हूँ आज सॉइल मैकेनिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है OCF, ओपन चैनल फ्लो क्या होता है? तो स्टेटमेंट देखिए, अ चैनल इज सेड टू बी ओपन चैनल फ्लो हुज फ्री सरफेस इज ओपन टू एटमोसफियर एंड फ्लो टेक्स प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी फ्लो। कहने का मतलब कि जो ओपन चैनल फ्लो है वो क्या है, जो ओपन चैनल फ्लो है वो एटमोसफेयर के ऊपर फ्री सरफेस में, और जो फ्लो होगा किसके द्वारा फ्लो होगा, तो ग्रेविटी फ्लो के द्वारा जो फ्लो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, OCF ओपन चैनल फ्लो। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एट प्रेशर ग्रेडियंट द फ्री सरफेस इज OCF इज जीरो। जो प्रेशर ग्रेडियंट के कारण जो मेरा फ्री सरफेस होता है ओपन चैनल फ्लो का, वो क्या होता है, जीरो होता है। मीन्स डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे देखिए डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो। चलिए हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं उस पाइप फ्लो और OCF में जो डिफरेंस है। तो जो फर्स्ट डिफरेंस है, इट इज़ फ्री सरफेस डज नॉट ओपन, इट इज़ फ्री सरफेस डज नॉट ओपन इन एटमोसफेयर। कहने का मतलब कि जो मेरा फ्री सरफेस होगा वो पाइप फ्लो में वो क्या होगा, वो एटमोसफेयर में ओपन नहीं होगा। ये है सेकंड पॉइंट पाइप फ्लो का। द फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी। किसके कारण नहीं होगा, तो फ्लो ऑफ वाटर डिफरेंस ऑफ एनर्जी किसके कारण होगा, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी मीन्स प्रेशर एनर्जी के कारण जो मेरा वाटर फ्लो है वो नहीं होगा। किसमें, तो एटमोसफियर के फ्री सरफेस में। किसमें, तो पाइप फ्लो में। जो मेरा थर्ड है वो HGL does not coincide with free surface of water। बोल रहा है HGL does not coincide with free surface of water। जो मेरा high gradient level है वो coincide नहीं करेगा जो मेरा free surface level है, और मेरा जो HGL है वो एक दूसरे को coincide नहीं करेगा उसमें। किसमें coincide नहीं करेगा, तो पाइप फ्लो में कंसाइड ना करेगा। चलिए हम लोग OCF में देखते हैं, ओपन चैनल फ्लो में। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, इट्स फ्री सरफेस ओपन एट एटमोसफेयर। इसमें क्या होता है कि जो फ्री सरफेस होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एटमोसफेयरिक में प्रेजेंट होता है, एटमोसफेयर में। इसका जो सेकेंड पॉइंट है, द फ्लो ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ड्यू टू ग्रेविटी। किसके कारण होता है, ओपन चैनल फ्लो में, तो ओपन चैनल फ्लो में किसके कारण होता है, तो ग्रेविटी फ्लो के कारण होता है, ग्रेविटी फ्लो के कारण होता है। HGL कंसाइड विथ फ्री सरफेस ऑफ वाटर, और इसमें जो हाई ग्रेडियंट लेवल है और जो फ्री सरफेस है वो दोनों क्या करता है, कंसाइड करता है एक पॉइंट पे, उसको हम क्या बोलेंगे, OCF। तो चलिए गाइज हम लोग OCF में आगे मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ OCF की तरफ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ OCF को चार पार्ट में बांटा गया है। तो चार पार्ट में उसका है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्लोप, और ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्री कंडीशन। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप का क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप पे हम उसको फोर पार्ट में फर्दर डिवाइड किए हैं। जो मेरा फर्स्ट है वो है रेक्टेंगुलर, सेकेंड है ट्रायंगुलर, थर्ड है ट्रेपोजिडल, और जो मेरा फोर्थ है वो सर्कुलर है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम OCF को कितने पार्ट में बांटे हैं। तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो हम OCF को दो पार्ट में बांटे हैं, एक नेचुरल चैनल और जो मेरा सेकेंड है वो है आर्टिफिशियल चैनल। नेचुरल चैनल जो नेचुरली मेरा कंस्ट्रक्ट हुआ है, जैसे कि आपका रिवर एक नेचुरली चैनल है,
और आर्टिफिशियल चैनल को हम मैनमेड चैनल भी बोल सकते हैं, जो ह्यूमन बींग के द्वारा क्या कर किया गया है, वो उसको को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल चैनल। जैसे कि आपका है रिव, जैसे कि कैनाल और रिसीवर, कैनाल मैंने कैनाल और रिसीवर मीन्स नाली को कंस्ट्रक्ट करते हैं हम आर्टिफिशियली, मीन्स मैनमेड द्वारा, ह्यूमन बींग द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल चैनल। तो हम लोग आगे देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्लोप। तो क्रॉस सेक्शन और स्लोप को फर्दर हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, एक होता है प्रिज्मेटिक चैनल और जो दूसरा होता है नॉन प्रिज्मेटिक चैनल होता है। तो प्रिज्मेटिक चैनल में क्या होता है हम लोग देखते हैं। तो प्रिज्मेटिक चैनल में होता है टाइप्स ऑफ चैनल, क्रॉस सेक्शन शेप साइज एंड बॉटम स्लोप आर कॉन्स्टेंट। इसमें जो उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है, जो स्लोप होता है, जो उसका साइज होता है और जो बॉटम स्लोप होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कर देते हैं इसमें हम कॉन्स्टेंट कर देते हैं, कॉन्स्टेंट कर देते हैं। तो ये मेरा एक प्रिज्मेटिक चैनल हो गया, जो इसका एग्जाम्पल है कैनाल और सीवर में हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट एक चैनल को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसका साइज भी कांस्टेंट होता है कि इस फ्लो में इतना जाना चाहिए, इतना इसका डिस्चार्ज होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग प्रिज्मेटिक चैनल बोलेंगे। प्रिज्मेटिक चैनल हो गया आपका एग्जांपल कैनाल और सीवेर जो, और उसका जो नेक्स्ट फर्दर डिवाइड किया गया है उसको हम नॉन प्रिज्मेटिक चैनल बोलेंगे। नॉन प्रिज्मेटिक चैनल में होगा कि आपका उसमें जो स्लोप होगा, बेड स्लोप, उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा और जो उसका साइज होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन प्रिज्मेटिक चैनल बोलेंगे। उसमें एग्जांपल हो गया आपका क्या, रिवर एक नॉन प्रिज्मेटिक चैनल है। तो रिवर एक नॉन प्रिज्मेटिक चैनल क्यों है, तो उसमें ना हम स्लोप को कांस्टेंट करते हैं, ना उसका साइज को कांस्टेंट करते हैं, ना हम उसके क्रॉस सेक्शन को कांस्टेंट करते हैं, इसलिए वो जो मेरा रिवर है वो मेरा नॉन प्रिज्मेटिक चैनल है। तो चलिए हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बाउंड्री कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से हम चैनल को दो पार्ट में बांटे हैं, एक रिजिड चैनल, एक होता है मोबाइल बाउंड्री चैनल। तो रिजिड चैनल में क्या होता है, तो जो मेरा फर्स्ट है नॉट डिफॉर्मेबल, इसका जो रिजिड चैनल होता है वो डिफॉर्मेबल नहीं होता है, ये डिफॉर्म नहीं करेगा। इसका जो बाउंड्री चैनल है मीन्स रिजिड चैनल में जो इसका डिफॉर्मेशन होता है वो डिफॉर्मेशन नहीं होगा, और ये क्या शो करेगा, ये 1 degree फ्रीडम शो करेगा, जो इसका फ्रीडम होता है वो 1 degree फ्रीडम शो करेगा किसमें, रिजिड चैनल बाउंड्री में। सिल्टिंग एंड शोरिंग डज नॉट टेक्स प्लेस, इसमें ना सिल्टिंग होगा ना शोरिंग होगा, सिल्टिंग होगा ना शोरिंग होगा, उसको हम बोलेंगे रिजिड चैनल। और इसका एग्जाम्पल है कैनाल और सीवेज। और मोबाइल्स बाउंड्री चैनल में, मोबाइल बाउंड्री चैनल में इसका जो फ्रीडम होता है वो 4 degree फ्रीडम होता है, 4 degree फ्रीडम होता है, और ये डिफॉर्मेबल होता है। जो मोबाइल चैनल होता है वो क्या होता है, डिफॉर्मेबल होता है, और जो इसका एग्जांपल होता है वो इसका एग्जांपल होता है रिवर। इसका जो एग्जांपल है वो मोबाइल बाउंड्री चैनल का एग्जांपल है। और इसमें जो सिल्टिंग और शोरिंग होता है वो इसमें दोनों होता है, किसमें, तो मोबाइल बाउंड्री चैनल में सिल्टिंग और शोरिंग दोनों होता है। तो चलिए आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए जब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।